हेलो दोस्तों, पौधों की जानकारी की श्रृंखला में आज इस वीडियो में दिख रहे इस सुंदर सुंदर फूल वाले पौधे के बारे में बताएंगे। यह पौधा तिल का पौधा है जिसका वनस्पतिक नाम सेसमम इंडिकम है। अंग्रेजी में इसे सिमसिम, पेन्नी, जिंजली आदि कई नामों से जानते हैं। इसकी कई जंगली प्रजातियां होती हैं जो अफ्रीका की मूल निवासी हैं। भारत में तिल की खेती हजारों वर्षों से होता आ रहा है। यह व्यापक रूप से दुनिया भर के ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पैदा किया जाता है। तिल के बीज से खाद्य तेल निकाला जाता है। तिल को विश्व का सबसे पहला बीज माना जाता है जिसे तेल निकाला जा रहा है। इसकी खेती आज से लगभग 5000 साल पहले शुरू हुई थी। यह पौधा सूखे की स्थिति में, जहां और पौधा आसानी से नहीं लग पाता है, वहां भी लग जाता है और पौधों की तुलना में तेजी से बढ़ता है। इसलिए तिल के पौधे को सर्वाइवर क्रॉप भी कहा जाता है। तिल का पौधा लगभग 2 से 5 फीट तक बढ़ सकता है। इसके फूल सफेद या नीले हो सकते हैं। इसकी फली लंबी एवं कैप्सूल की आकार की होती है जो इसके तनों से चिपकी रहती है, जैसा इस वीडियो में आप सब देख सकते हैं। तिल का बीज विभिन्न प्रजातियों की विभिन्न किस्मों में अलग अलग रंग के हो सकते हैं, जैसे सफ़ेद तिल, हल्का सफ़ेद तिल, भूरा तिल और काला तिल आदि। तिल के बीज में 45 से 63% तेल और 16 से 32% नाइट्रोजन होता है। तिल के बीज में लिग्नानस, सेसमोलिन, सेसामिन, पिनोसोनेरल और लेजिसिनोल केमिकल कंपोजिशन होते हैं। तिल के अंदर औषधीय गुण भी होते हैं, जैसे इसके बीज को फोड़े एवं घाव के इलाज में उपयोग किया जाता है। तिल दांतों एवं मसूड़ों के रोग को दूर करता है। इसके साथ साथ तिल शरीर के अंदर पोषण की कमी को दूर करता है। तिल के तेल का उपयोग सबसे ज़्यादा जापान देश में किया जाता है। चीन तिल का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत में कच्चे तथा भुने हुए तिल का उपयोग मिठाइयों आदि में किया जाता है। तिल के तेल का उपयोग ज़्यादातर खाना पकाने में किया जाता है। इसके तेल में कोई तीखा गंध नहीं होता है। इसके कोल्ड प्रेस्ड तेल में विशेष स्वाद होता है। तिल का तेल अपने साथ मिश्रित अन्य पदार्थों के सुगंध को अपने अंदर आसानी से अवशोषित कर लेता है, इसलिए तिल के तेल का उपयोग चमेली आदि सुगंधित फूलों के सुगंध बनाने के एक माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे यूरोप में 1 किलोग्राम फूल को 6 लीटर तिल के तेल के अंदर मिलाया जाता है और उसे उसके अंदर सुगंध बनाने के लिए 40 घंटे के लिए रखा जाता है, जिससे फूल का सुगंध तिल के तेल में आ जाता है। यदि यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।